मम्मा जल्दी बताओ 3 सेकंड में कि वो कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है। अच्छी है, बताओ अच्छी है। बहुत अच्छी है, ये अच्छा है मुझे वैसे, ये और ये अच्छा लगा। टेडू भाजी शॉपिंग। वो क्या है, वो फोटो है, फोटो। सास करती है बहू को इग्नोर, क्या टाइटल दिया यार मैंने। मम्मा जब मेरे साथ जाते हैं कभी थकावट में नहीं आए, और तेरे साथ आप घूमने नहीं देते हैं। जितनी चाय इन्होंने पीनी होती है वो अपने कप में डाल लेते हैं, बाकी मेरी। तो अभी हम जाएंगे अल्फा वन, वहाँ पे जाके करेंगे बहुत सारी शॉपिंग मैं और मम्मा। आज मनी और पापा ने जाना है शादी पे। हेलो, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मम्मा खुश क्या हो मम्मा? बस खुशी है, मॉल जा रहे हैं हम। मॉल जा रहे हैं आज हम दोनों, कोई नहीं जा रहा, और टीटू भाजी के साथ जा रहे हैं ऑफकोर्स। तो टीटू भाजी भी तैयार है हमारे साथ जाने के लिए, चले। अभी हम जा रहे हैं नेक्सस मॉल, जो पहले अल्फा मॉल होता था, अल्फा वन, वहाँ पे भी जा रहे हैं। उसका नाम हो गया वो नेक्सस। मम्मा पता है आपको? सर, नाम मुझे पता। सब नाम बदलते ही जा रहे हैं, तो अभी बस हम नहीं बदले, हमारे नाम वही हैं। तो साक्षी। हाँ जी। मेरा नाम क्या? हाँ साक्षी ने मेरे पैर पे लगी। चलो जी, अभी पता चला है कि रुकने है। हमने ट्रिलियम जाना है। हाँ ट्रिलियम, हम नीचे रुकते हैं, टिट्टू टू भाई जीन वगैरह ले आएंगे नीचे। या जीन? हाँ, क्या आपने जहाँ से शॉपिंग करनी वो वाले मॉल चले जाते हैं, ठीक है ना? पता नहीं नेल को कुछ हो गया। नेल को तो कुछ होना होगा, नेल इतना बड़ा है। थोड़ा ही है, अभी तो काटा हुआ मैंने। तो हम जा रहे थे अल्फा मॉल, हम अल्फा ही बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं वो बोलना आता नेक्सस, ज्यादा वो ही है मशहूर। हाँ, तो हम जा रहे थे अल्फा क्योंकि हमें लगा कि हमें वहाँ जाना है। हमने जाना क्यों था कि पापा ने कल शॉपिंग की थी, उन्होंने ऑल्टरेशन के लिए कुछ दी हुई थी जीन्स वगैरह, हमने वो लेनी थी, तो हमने सोचा हम भी शॉपिंग कर लेते हैं आज, है ना। पर अब टीटू भाजी ने बताया कि वो तो ट्रिलियम गए थे। हाँ, तो फिर अब हम ट्रिलियम जा रहे हैं। दो मॉल फिर उसके बाद अल्फा जाए। आज मनी और पापा ने जाना है शादी पे, बड़े दिन के बाद आज मॉल जा रहे हैं। मुंबई में तो हमारा चक्कर लगता ही रहता था, अमृतसर में आके मॉल नहीं जाना होता। अब क्या है कि शॉपिंग नहीं है, गर्मियों की शॉपिंग नहीं की हुई कुछ भी, तो इसलिए भी जाना है। और जिम के कुछ कपड़े लेने हैं, जिम करना होता है रोज वहाँ का। तो मेरे पास सारे ब्लैक कलर के टॉप है, आज कलरफुल लेने हैं। तो अभी चलते हैं फिर मिलाते हैं। आप तो जिम करती हो, तो आप तो ले लो के कपड़े। मैं तो जिम करती नहीं। आप जिम वाले ना लो, आप दूसरे ले लो ना। आपने जिम वाले क्यों लेने हैं? तो अभी हम पहुंच गए हैं ट्रिलियम मॉल, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि मैं अकेली जाके अंदर से फटाफट पापा की जो जीन्स है वो लेके आ जाऊंगी, और फिर हम चलेंगे अल्फा मॉल, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना, रात को उन्होंने शादी में भी जाना और हम लेट ही ना हो जाए कहीं बहुत ज्यादा। तो चलो अभी 8 बजे तक हम आ सकते हैं वैसे वापस? आ जाएंगे, उन्होंने तो 9-10 बजे जाना, 10 बजे के आसपास। हाँ, तो अभी फिर यहाँ पे तो थोड़ा ही टाइम लगना है, तो टीटू भाजी को भेजना था, पर क्या टाइम बहुत वेस्ट होगा, पहले गाड़ी पार्किंग में जाएगी फिर ऊपर जाएंगे, तो मैं फिर थोड़ा सा टीटू भाजी का सोचा है, वैसे सोचा अपना ही है कि हमारा टाइम बच जाएगा। बस ऐसे ही है। तो चलो आगे बढ़ो। देखा कितनी जल्दी आ गई मैं। आपके लिए ना कमेंट आ गया था कि पिलो आंटी ने बहुत अच्छा गाना गाया है, तो अब अपना गाना तैयार ही रखना आज एक और। और टीटू भाई जो हमने वो नहीं आप लाए थे उस दिन समोसे कचोरियाँ, वो समोसे कचोरियाँ देख के कैसे पता लग गया, कहते आप शर्मा स्वीट से लाए हो ना, तो ऐसे कैसे पता लग गया देख के? और कहते नहीं लिफाफा दूसरा ही था, कहते नहीं मेरे मायके भी अमृतसर से ही है, तो मुझे पता है कि ये वहाँ के ही है। तो अभी हम जाएंगे अल्फा वन, वहाँ पे जाके करेंगे बहुत सारी शॉपिंग मैं और मम्मा। कहने की बात है, बाकी पता नहीं कुछ मिलता भी है कि नहीं अच्छा सा, जो जो मिलेगा आज तो शॉपिंग करनी है बस। मुंबई में जाते थे हम दोनों, मम्मा कितनी याद आ रही है ना वो वाली चीज की। कोई नहीं, हम फिर से जाएंगे। और मुझे ये भी कमेंट आया था कि आप लोग अमृतसर में क्यों हो, मुंबई क्यों नहीं जा रहे हो? अभी मुझे पता चला मुंबई में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम नहीं अभी जा रहे, अभी हम यहाँ पे ही रुकेंगे थोड़ा टाइम। दोनों जगह घर है, जहाँ मर्जी रुक जाए, अपनी मर्जी है। तो अभी हम थोड़ा टाइम अमृतसर में ही स्पेंड करेंगे।
थोड़े से इससे सिंपल, गोल्डन नहीं है सारे। हाँ नहीं थोड़े, हाँ इस ज़्यादा हैवी हैवी हो रहे हैं। ठीक है ये वाला और ये वाला दे दो, ये वाला एक एक नहीं नहीं पैकेट पैकेट ही चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ शगुन के कार्ड्स लेने, बहुत ज़रूरी है, शादी भी जाना था तो कार्ड्स नहीं थे यहाँ पे, तो मुझे मिल गए। वैसे हमने भी यहाँ से एक बार करवाया हुआ है कुछ ना, अच्छा। पैकिंग्स वगैरह मुझे याद है, किसी के थ्रू करवाई थी बट। आपने कभी ज्ञानी टी स्टॉल से पिए चाय? शायद एक बार। एक बार? ये पुल के नीचे जो है अमृतसर के फेमस है, सुबह सुबह बहुत रश, सुबह लोग जो सैर करने आते हैं ना फिर यहाँ से चाय पी के जाते हैं। देखेंगे हम भी, पर उसके लिए सैर करनी पड़नी है। अच्छा। मजाक कर रही, वैसे ही आ सकते हैं कभी भी, पर यहाँ पे गाड़ी लगने की दिक्कत है ना, गाड़ी पार्किंग नहीं होती। हाँ इतने बजे कहाँ आना है हमने, आज लग रहा है टीटू भाई ने हमें बाहर ही उतारना है ना, आज नहीं जाएंगे ये पार्किंग में, जब पापा और मनी होते हैं फिर जाते हैं ये, क्योंकि इन्होंने खुद भी जाना होता है फिर। चलो फिर यहाँ ही मिलेंगे ठीक है। हाँ जी फोन करता हूँ। ओके जी ओके। शॉर्ट है, मुंबई में ये वाला ब्रांड बंद हो चुका मम्मा, बड़े अच्छे मिलते थे वहाँ कपड़े ना, यहाँ नहीं कुछ भी खास। बहुत अच्छा लगा, वाइट तो मन तो बहुत टाइम से है, मुंबई में मैंने एक बार पसंद भी किया था बट वो मिला नहीं था। ठीक है नहीं ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा अच्छा है। हाँ हाँ भी ज़्यादा। ये स्लिंग छोटी करनी हो तो कैसे होगी, नॉट लगा के ही होगी है ना, और एक नॉट लगा दो है ना। मुझे वैसे ये और ये अच्छा लगा है, और मम्मा ने भी पसंद किया है ये मम्मा के लिए है ना मम्मा, फाइनल ये बना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे मम्मा मेरा ये दोनों का मन बन रहा है तो दोनों देख ले, दोनों ही अच्छे लगे, दोनों देख ले कर दो इसको लो। ये कभी कभी यूज होगा ना। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है, चट्टा भी बहुत, ये ना ड्रेसेस वगैरह के साथ अच्छा लगेगा ना। हाँ ऐसे पकड़ना होता है वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ जब पार्टी वगैरह में जाना हो। हाँ लगते हैं बताओ, अच्छी है बहुत अच्छी है, घूमने जाना कहीं तो फिर ले लो। कमेंट करके सब्सक्राइबर ही बताएंगे आपके कि कैसी लग रही है आपको कैब, अच्छी लगी तो जरूर देंगे। हाँ तो अपनी शॉपिंग हो गई है बैग्स की, बहुत सुंदर बैग्स मिल गए, बहुत बढ़िया और अच्छे प्राइस में मिल गए। हाँ। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जूडियो, ये नया कोई ब्रांड खुला है कहते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे, पहली बार जा रहे हैं देखते हैं अब। मम्मा कुछ आया पसंद? मैं मुझे ये एक आया पसंद, अच्छा है ये वाला लगा अच्छा। वैसे उधर भी है कोई? हाँ हाँ ये अच्छा, एक ये है प्लेन है, ये ही अच्छा ना कुर्ते वगैरह के साथ डालने के लिए, अच्छा है अच्छा लगेगा ये वाला। तो हम अपनी शॉपिंग कर रहे थे, पापा का फोन आ गया कि मेरे लिए टी शर्ट लेके आना, अब उनके लिए देख रहे हैं। ये भी अच्छा है, हाँ ये अच्छा ये अच्छा। तो फाइनली मनी और पापा के लिए टी शर्ट्स मिल गई है, अपने लिए चाहे हमें कुछ नहीं मिला लेकिन उनके लिए मिल गया, उनका मेन ज़रूरी है, नहीं तो उन्होंने बोला करके क्या आए। उससे अच्छा है उनके लिए ले लो, खुद फिर आ जाएंगे दोबारा से, पर मुझे यहाँ मज़ा नहीं आया शॉपिंग करके ना, हमें लोखंडवाला मार्केट ही अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी वो भी मतलब टाइम पास वाला टाइम पास है ना, मज़ा नहीं आया, लोखंडवाला अच्छा है। मुंबई में भी हम मॉल में बहुत कम शॉपिंग करते हैं, मार्केट से ही करते हैं, पर यहाँ पे अभी क्या करें ऑप्शन ही नहीं है कुछ, तो चलो अभी फिर यहाँ से शॉपिंग के लिए बॉम्बे जाना ही पड़ेगा।
शॉपिंग के लिए। मम्मी बैठ गए हैं, थक गए हैं। तो हमारी बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, अभी हम जा रहे हैं घर। तो टिडुभा जी के लिए चलते हैं बाहर, क्योंकि आज बाहर ही जाना पड़ेगा। थक गए, हमने पहली बार हुआ कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी आज। अभी सोचा कि घर ही चलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शादी पे जाना, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। चलो टिडु भाजी शॉपिंग। जो सबसे बड़ा बैग है वो मनी और पापा का। अपनी नहीं मिली। तो अभी मॉल से निकल के फिर रास्ते में मनी का फोन आ गया कि कुछ खाने को ले आना। फिर बारी बारी सबका फोन आ गया कि हमारे लिए भी ले आना। तो अब हम लेने लगे हैं पनीर टिक्का और चाप। तो अभी मेरी ट्रे रेडी हो चुकी है, अब हम गाड़ी में खाएंगे, बाकी के लिए घर लेके जाएंगे। तो अभी फिर बाकी तैयार है सब घर पे, मनी और पापा शादी पे जाने के लिए। ये कैसी शादी मम्मा, घर से खाना खा के जा रहे हैं, है ना? हम होते तो हमने वहाँ जाके खाना घर पे कहीं नहीं खाते। मलाई हाँ जी, टेस्टी। वैसे तो चांप खाने का मजा ना रुमाली रोटी के साथ ही आता है। आपने खाई है कभी, ट्राई की है? हमने तो किया है, आपने नहीं किया तो आप भी करो। मनी की शक्ल देख लो, ये सुबह से घर पे बैठे हुए हैं, जिम भी किया वो भी थोड़ा सा बहाने लगा लगा के कि मैंने आज शादी पे जाना सर, कम करवाना वर्कआउट, जैसे शादी इनकी हुई है। ये देखो मेरी दवाई भी चल रही है। हाँ, ये चल कहाँ रही है, इसको पैर लगे हैं। प्लीज टेक दिस, थैंक यू। कितनी वो है ना, मतलब एक बिस्किट रखे तो ये प्लीज टेक दिस पैकेट अपने पास रखा हुआ है। छोटे बच्चे नहीं होते हैं डीड भाजी, उन्होंने पता है सारे रखे थे, सारे खा रहे हैं। नाचोस ऑफर करो, नाचोस चल रहा है। टेक दिस। ये भी छोटे बच्चों की तरह बच्चे करते हैं ऐसे। मनी, चाय से मुझे एक कमेंट याद आ गया, आज की वीडियो के नीचे कमेंट आया, कहते आप होते तीन लोग हो तो चाय इतनी ज्यादा क्यों बनाते हो। जितनी चाय इन्होंने पीनी होती है वो अपने कप में डाल लेते हैं, बाकी मेरी। ये इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। एक तो इतना डिस्टेंस डाल के बैठे हुए ना, एक मुझे इधर लेना पड़ रहा है सीने का इधर। मम्मा तो थक गई हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मा घर पे नहीं बैठ सकते, और ये भी बता दूं अगर वो घर पे नहीं बैठ सकते तो बाहर भी नहीं। ना ना ना, जाने की भी जल्दी और आने की भी जल्दी, ये रिकॉर्ड है मम्मी का। दो तीन घंटे का रास्ता सफर तय करने के बाद वहाँ पहुँच गए, उन्हें 10 मिनट उठ के बाहर आ जाना, तो चलो घर चले, तो मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैं गई थी कहीं पे। बिल्कुल। और आपको आज बहुत मिस किया हमने। क्यों? व्लॉग नहीं बन रहा था ना बेटा घर का। बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे खुद कैमरा चलाना पड़ रहा था हर जगह। और वैसे सच्ची बताऊँ थक के आए हैं, हिम्मत दोनों में नहीं थी हमारे। और बाकी तू पीछे से बातें करी जाए कैमरे से, सामने आ। ये देखो मैं सामने आ गई, ये ड्रेस मैं लेके आई हूँ आज। अच्छा मुझे ना, सॉरी पहले मुझे बता ये देखना किधर है, इधर देखते हो उधर देखते हैं? इधर कहीं ना देखो, सबसे अच्छा, अच्छा लॉजिक यही है, देखो ही मत। अच्छा बस इधर ऐसे तो दोस्तों। हाँ जी, मतलब अपनी तरफ ऐसे आई कॉन्टेक्ट अपने साथ ना बनाओ, नहीं तो बैंगल। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाना। बाकी ये बताओ, मैं तेरी वीडियो तेरी तरफ देखी जा रहा हूँ साथ साथ। मेरी तरफ ही देख लो, बाकी मुझे बोलने दो बस। हाँ जी बोलो। ये आज मैं शॉपिंग में ये लेके आई हूँ, इसके अलावा दो बैग लेके आई हूँ, पर्स, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ना जब मैं यूज करूंगी। वैसे तो मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैंने क्या लिया है, फाइनल नहीं दिखाया। तो अब आप भी आ जाओ फ्रेम में। मैं कहता मम्मा को बुला ले, एंड में मम्मा भी आ जाए। मम्मा मम्मा आओ। मम्मा को पता लग जाता ना कि वीडियो बन रही है, तो साथ ही आई बच्ची आई। मम्मा आज मेरे साथ ही थे पूरे व्लॉग में। हाँ, और देखो एक सेकंड, मम्मा जब मेरे साथ जाते हैं कभी थकावट में नहीं आए, और तेरे साथ आप घूमने नहीं देते, आप कहीं जाते ही नहीं, आपने जाते ही कहना भूख लगी है। आज हमारे सब्सक्राइबर भी खुश होंगे कि यार शुक्र है मॉल में जाते ही इन्होंने कुछ खाया नहीं। सबसे पहले थकावट का दिन होती है, वैसे मैं ठीक हूं, तबीयत मम्मी की वैसे ही ना एनर्जी डाउन डाउन ही है। तो मम्मा हमारी गाड़ी में एक बात हुई थी, याद है? देखो इससे क्या पता चलता है, मम्मा साक्षी जब मम्मा से बातें करते हैं ना, मम्मा ऐसे ऐसे करते रहते, इग्नोर करते हैं। नहीं, नहीं। सास करती है बहू को इग्नोर।
क्या टाइटल दिया यार मैंने। अब मम्मा बताओ, मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था कि मम्मा व्लॉग के एंड में फिर आपने ये काम करना है, याद कर रख लो आप, गाना गाने। आज इतने तो देखते हैं दोस्तों, आज मम्मा कौन से गाने से आपको बोर करते हैं। और गाना गाने से पहले मैं कमेंट एक पर बता दूं, कहते आंटी ने जब गाना शुरू किया, गाने के लिरिक्स वही थे लेकिन ट्यून एकदम अलग थी, ऐसा लगा कोई नया ही गाना शुरू हो गया है। कि वो वाला गाना तो हम सुन ही नहीं रहे। क्या बात मम्मा, आप नई कॉम्पोजिशन, नई चीजें ही याद कर रहे हो मम्मा। तो फिर अभी आज कौन सा गाना? आज तो याद किया नहीं, जैसे याद करके बोलते थे बिल्कुल प्रॉपर लिरिक्स होते हैं। कल याद किया था ना, तो एक गाने की ट्यून बदली, आज याद नहीं किया हुआ तो देखो क्या क्या बदलता है। वैसे सुना तो, हाँ जी वैसे सुना। नहीं मम्मी वैसे सुना है, हमने आपके लिए ड्रम सेट मंगवाने नहीं। चलो ठीक है सुनाओ। वो क्या है, वो फोटो है, फोटो मम्मा फोटो। वो क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूर्त है, वो मूर्त ऐसे होती है। आगे अब मम्मा जोर ज्यादा लग गया। बहुत अच्छे। तो चलो दोस्तों, ये व्लॉग आज यहीं पे खत्म करते हैं, और आप सबके लोग, आप सबके हमें कमेंट आते रहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको फैमिली की तरह मानते हैं, आपकी व्लॉग की वेट करते हैं, पर आता क्यों नहीं। देख लो साक्षी, इसको हम प्यार ही कहेंगे, क्योंकि प्यार वो नहीं होता कि हम बोले कि यार उसके साथ मजा बड़ा आया, उसके साथ एंजॉय बड़ा किया, उसके साथ तो मतलब दिल लग गया। प्यार वो होता है जिसके बिना आपका दिल ना लगे, उसकी वेट करते रहो। तो चलो दोस्तों, व्लॉग आ गया, फिर वेट खत्म। अब वेट नहीं करनी पड़ती, अब रोज आते हैं व्लॉग शाम को 5 बजे। साक्षी के बस याद हो गया ना आपको कि शाम को 5 बजे आता मेरा व्लॉग, शाम को 5 बजे। यार ये टाइम बड़ा सही है, अगर हम कुछ खाते पीते भी है ना, सबके पास ऑप्शन होती है कि कोई कुछ खा सकता है शाम की चाय के साथ, तो बहुत मजा, क्योंकि हम भी खाने का एंजॉय करते हैं, आप लोग भी करो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जाते जाते मैं इनको एक सवाल डालूं, मम्मा जल्दी बताओ 3 सेकंड में, कि वो कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? रिश्ते नहीं, दिल नहीं, दिल नहीं। कमेंट करके आप बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। सॉरी आप एक बाय बाय।